तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल बीतेक शर्मा। आज का वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका बजट सिर्फ 7000 या फिर 8000 हो, लेकिन आपको चाहिए एक बहुत ही अच्छा डिवाइस जो जिसमें आपको एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिले, अच्छा खासा रैम मिले और अच्छा खासा उसमें आप फ्री फायर, पबजी लाइट ये सब आप खेल पाएँ। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इस महीने दो स्मार्टफोन आया है। एक आया है नोकिया की तरफ से, वो है कि नोकिया C3, और एक सैमसंग की तरफ से है जो पिछले महीने ही लॉन्च हो गया था, वो है कि सैमसंग M1। ये सैमसंग M1 और ये नोकिया C3, इन दोनों के पास ही उनका एक खूबियाँ है और उन दोनों के पास भी एक कमियाँ है जो आपको मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन इसको दबा के शुरू करते हैं। ये घंटा भी थोड़ा दबाया करो जी। तो सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों स्मार्टफोनों का डिस्प्ले क्वालिटी के ऊपर। दोनों के पास ही HD+ डिस्प्ले है, फुल HD+ दोनों के पास ही नहीं, क्योंकि अंदर 7-8000 में फुल HD+ लाना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए नोकिया C3 इसका डिस्प्ले साइज है 5.9 इंच और सैमसंग M1 इसका डिस्प्ले साइज है 5.7 इंच। मतलब दोनों के पास ही अच्छा खासा एक लार्ज डिस्प्ले साइज है जो आपके लिए बहुत ही एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन दोनों में वीडियो जो रेवोल्यूशन होता है इसमें थोड़ा फ़र्क है। वो इसी तरह है कि नोकिया C3 इसमें आपको डिस्प्ले जो रेवोल्यूशन जो पिक्सल साइज है वो आपको मिलेगा 720x440 पिक्सल, और सैमसंग M1 इसमें आपको मिलेगा 1520x720 पिक्सल। मतलब दोनों के पास भी अच्छे खासे डिस्प्ले, बड़ा डिस्प्ले है और दोनों के पास भी डिस्प्ले का जो पिक्सल साइज है वो भी अच्छा खासा ही है। तो दोनों के पास अगर आप जा रहे हो तो दोनों ही खुद के पास भी एक बड़ा डिस्प्ले साइज तो है ही। तो इसके बाद दोनों के पास जो सेम चीज़ है वो है कि दोनों आउट ऑफ द एंड्रॉयड 10.0 वर्जन के साथ आपको ये दोनों स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ते इसका जो डिस्प्ले जो PPI होता है ना, ये होता है मेन चीज़। डिस्प्ले PPI से हमको पता चलता है कि आज दोनों के पास डिस्प्ले जो किन का ज़्यादा क्लियर थी आपको देखने को मिलेगा। वो नोकिया C3 इसमें आपको मिलेगा 269 PPI और सैमसंग M1 इसमें आपको मिलेगा 294 PPI। तो अभी आप समझ गए होंगे कि सैमसंग के पास जो डिस्प्ले है ना, वो खुद के पास एमोलेड डिस्प्ले बनाता है, लेकिन इस वाला फ़ोन में नोकिया से ज़्यादा आपको क्लियरिटी देखने को मिलेंगे। तो क्लियर विनर है डिस्प्ले के मामले में सैमसंग M1। तो आगे बढ़ते हैं, इसका जो मेन जो चीज़ होता है वो है कि रैम वेरिएंट। दोनों के पास भी जो रैम वेरिएंट होता है ना, दोनों के पास अच्छा अच्छा रैम वेरिएंट ही है, वो कि 3GB रैम। नोकिया C3 इसमें आपको मिलेगा 3+32GB का स्टोरेज, और सैमसंग M1 इसके पास भी मिलेगा आपको 3+32GB का स्टोरेज। मतलब अंदर 7000 या फिर अंदर 8000 हो, आपको सिर्फ अगर 3GB वाला रैम वेरिएंट आपको इस महीने में, इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारा स्मार्टफोन 2GB रैम के साथ आया है इस महीने मार्केट में, तो आपको 2GB रैम के साथ बिल्कुल जाना नहीं है, क्योंकि आजकल सभी लोग, हम लोग जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम एक साथ हम ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, एक साथ ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ चलाते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजोन, इन सारे एक साथ हमको चलाना पड़ता है। तो इसको कहते हैं रैम ऑप्टिमाइजेशन। तो 2GB के साथ अगर आपको जाना है ना, तो ये वाला एप्लीकेशन को कुछ आपको क्लोज डाउन करके, मैन्युअली आपको क्लोज डाउन करके रखना पड़ेगा, जो एकदम के लिए 2020 में ठीक नहीं रहेगा। लेकिन इन दोनों के पास भी 3GB वेरिएंट है, तो आपके लिए इनको चिंता करने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तो सैमसंग M1 इसका जो प्राइस है 8300 रुपीज़, और नोकिया C3 इसका प्राइस है, मतलब एकदम बहुत एक्साइटेड वाला प्राइस है, इसका प्राइस है 7400। मतलब सैमसंग से भी नोकिया का C3 इसमें आपको प्राइस कम में इतना बड़ा फैसिलिटी मिल रहा है। अगर आप दोनों के बात करें, दोनों के पास भी अच्छा खासा डिस्प्ले है, इसका रैम वेरियंट है, और दोनों का प्राइस के साथ डिफरेंट है। अगर आपको आपका बजट इतना ही है ना, तो आप ये दोनों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। और बात करेंगे इसका जो होता है, वो इसका होता है मेन होता है इसका कैमरा। तो नोकिया C3 इसमें आपको मिलेगा 8 MP रियर कैमरा, और सैमसंग M1 इसमें आपको मिलेगा 13 MP रियर कैमरा। मतलब कैमरा के मामले में सैमसंग इज़ ए क्लियर विनर। तो अगर आपका बजट भी 8000 तक आप जा सकते हो, तो मेरा ख्याल से आपको सैमसंग M1 लेना भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपका अगर बजट 7
7300 तक ही है, तो आप मेरे हिसाब से नोकिया C3 लेने से आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बात करें दोनों के जो बैटरी साइज़ है वो भी ज़्यादा मायने रखता है। नोकिया C3 इसका बैटरी है 3040 mAh, और उसी तरह सैमसंग गैलेक्सी M1 इसका बैटरी होगा 4000 mAh। मतलब इसके पास डिस्प्ले अच्छा है, बैटरी अच्छा है, रैम ऑप्टिमाइजेशन दोनों के पास सेम है, और प्राइस भी हल्का ज़्यादा इसमें है। अगर आप 8000 तक अगर जा सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो मेन खास बात होता है ना, जो लोग ज़्यादा विश्वास करता है फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर, तो नोकिया C3 में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक, क्योंकि सैमसंग M1 में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का अगर ज़्यादा भरोसा करते हो तो आप ये ले सकते हो। हाँ, ऐसे स्क्रीन को पैटर्न या फिर पासवर्ड लगा के भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लोगों का बस थिंकिंग ये होता है कि मैं अगर बार बार ये पासवर्ड डाल के मैं भूल जाता हूँ ना, तो इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ों के फिंगरप्रिंट लगा के रखता हूँ। ऐसे मेरी तरह बहुत सारे लोग भी होगा, तो इसलिए अगर उन लोग के लिए नोकिया C3 इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बस प्राइस का बस इतना है, बस फ़र्क है, मतलब 700 या 800 रुपये ज़्यादा दे के आप सैमसंग के साथ आप जा सकते हो, लेकिन सैमसंग के पास फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, तो बस क्लियर विनर है। दोनों के साथ अगर फ्री फायर, पबजी लाइट, ये सब वाला गेम आप खेल सकते हो। रैम ऑप्टिमाइजेशन सही है, 3GB रैम, बस आपको बस अभी चूज़ करना है। थोड़ा सा ज़्यादा आपको बैटरी चाहिए या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपको कैमरा वेरियंट चाहिए तो सैमसंग। अगर आपको डिवाइस में सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, उसमें रिमूवेबल बैटरी भी चाहिए, तो नोकिया C3। बस इतना ही तो फ़र्क है ना, दोनों एक से बढ़ के एक मतलब पीछे, दोनों के पास बस यही कमी है। कमी तो है लेकिन है, मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरह मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखो, ताकि मैं जो भी मैंने वीडियो लाता हूँ ना, हर हर मोबाइल डिवाइस का मैं कमियाँ भी बताता हूँ और खूबियाँ भी बताता हूँ, ताकि आपको लेने में कुछ भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिर भी आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते। तब तक के लिए आज के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।